हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आइए आपको हम बताते हैं आरबी ऑफिस स्टैंडर्ड एग्जाम के जो जीके क्वेश्चंस थे उसके बारे में। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जीके क्वेश्चन का पार्ट वन था, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आइए आज हम उसके बाद जो है कि कल मैंने आरबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई थी, आज जो है कि हम आपको उससे आगे यानी मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में है। ये सारा जो है कि हेडक्वार्टर्स वगैरह भी एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको एक एक करके हर एक चीज को इंक्लूड किया है। उसके बाद है डिमोनेटाइजेशन कब लागू हुआ। डिमोनेटाइजेशन कब लागू हुआ उसमें आपको साल नहीं पूछेगा, एक्चुअली वो आपको डेट पूछता है कि किस तारीख को लागू हुआ, यानी 8 नवंबर 2016 को। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड किसने जीता, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होता है वो किसने जीता। आपको पता है कि काफी दिनों बाद यानी लगभग 12-13 सालों के बाद मिस वर्ल्ड जो है किसी ने इंडिया से जीत के लाया है, यानी कि उनका नाम है मानुषी छिल्लर। इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था ये एक पॉलिटिशियन के द्वारा, तो इसको छिल्लर नहीं है। और ये जो है कि इंडिया में इंडिया के हरियाणा से आती है, हरियाणा के जिंद से शायद इनका ताल्लुकात है, ये वहीं से आती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि मिस वर्ल्ड किसने जीता और वो कहाँ की रहने वाली है, तो भारत की है और हरियाणा की रहने वाली है। और उसके बाद है कि मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है वो कहाँ आयोजित हुई इस साल, यानी 2017 की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी वो कहाँ आयोजित हुई। तो आपको जो है कि वो चाइना में हुआ है और वहां पर एक सान्या सिटी करके कोई एरिना है, कोई जगह वहां पर हुआ है। तो आपको कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, या तो चाइना दे देगा किस कंट्री में चाइना, या चाइना के साथ सान्या सिटी या एरिना करके कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो आप उसको आराम से ऑप्शन में भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम से पूछा जा चुका है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस क्वेश्चन को जो है कि काफी बार जो है कि एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक एक करके मैं हर पुरस्कार के बारे में आपको एक एक करके वीडियो में आते जाएगा, सीरीज वाइज तो चलते जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही बड़ा और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। एक तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको ऑस्कर भी कहा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार को। तो आपको पुलित्जर पुरस्कार जो है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद जो देखिए एक बहुत ही हाल फिलहाल का ये करंट है कि भारत की प्रथम रक्षा मंत्री जो कि लेडी जो हुई है वो प्रथम रक्षा मंत्री, एक्चुअली यहाँ प्रथम महिला रक्षा मंत्री होना चाहिए था, मैंने गलती से प्रथम रक्षा मंत्री लिख दिया है, तो सॉरी से लिखा गया है। तो भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री जो है कि निर्मला सीतारमन, जो भी हाल फिलहाल में जो कि अभी मोदी जो कैबिनेट में जो बदलाव हुआ है उसमें इनको जो है कि रक्षा मंत्री के तौर पर चुना गया है, जो कि प्रथम महिला रक्षा मंत्री है। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत एग्जाम्स में आता है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। सार्क का मुख्यालय जो है कि वो काठमांडू में है, जो नेपाल में पड़ता है। सार्क में लगभग 8 कंट्रीज आते हैं जो कि आपको पता है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है कि आपको मैं थोड़ा सा इसका एक अभी जो इलेक्शन हुए उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं। तो एग्जाम में हो सकता है कि ये नहीं पूछा है कि वहां के मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये पूछ सकता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कितने विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए हैं। तो ये काफी बार पूछाता है। तो गुजरात में जो 182 सीट्स के लिए चुनाव हुए और हिमाचल में 68 सीट्स के लिए चुनाव हुए, याद रखिएगा गुजरात में 182 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव हुए और हिमाचल में 68 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव हुए। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लगता है कि
जितने भी नोट है उसमें आरबीआई गवर्नर का ही साइन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। 1 रुपया के नोट पर जो है कि वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं सेक्रेटरी, उनका जो है कि मोहर होता है, सॉरी साइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत की सिलिकॉन वैली तो आपको पता है बेंगलोर। बेंगलोर को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, तो वहां क्योंकि वहां सब ज्यादा जो है कि इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट पुर्जे कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह का बहुत सारा वहां पर वर्क होता है, इसीलिए उसको भारत की सिलिकॉन वैली या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये काफी क्वेश्चन पूछेगा आपको, कंप्यूटर से भी हो सकता है इसमें जीके में पूछ सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन, तो मैं कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन जो है कि इसमें इंक्लूड करते जाऊंगा। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। नेक्स्ट जो है ये है कि नेक्स्ट में जो कि एचटीटीपी फुल फॉर्म जो है आपको बराबर पूछा जाता है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन जो है कि आपको फुल फॉर्म के तौर पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का चिप जो होता है वो किस चीज का बना होता है? वो सिलिकॉन का बना होता है। ये भी बहुत एग्जाम से एग्जाम जो भी क्वेश्चन है वो काफी इंपोर्टेंट ही है, आप एक एक चीज को ध्यान में नहीं। तो जो है कि कंप्यूटर का जो चिप है वो सिलिकॉन का बना होता है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, यानी जिसको IDBI बोलते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, भारतीय औद्योगिक बैंक विकास बैंक की स्थापना जो है कि 1 फरवरी 1964 को हुआ, 1 फरवरी 1964 को हुआ है। उसके बाद है बुल और बियर। बुल और बियर जो है कि ये किस शब्दावली से है, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये शेयर बाजार से जो है कि काफी रिलेटेड होता है। बुल और बियर जो है कि शेयर बाजार से ताल्लुकात रखने वाला ये संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट है एटीएम का पूरा नाम क्या है? काफी मिस्टेक्स होते हैं यहाँ पर। एटीएम का पूरा नाम क्या है? मैं बहुत लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन मार देते हैं या कभी कुछ, लेकिन ध्यान दीजिएगा एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नॉट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है एटीएम का। नेक्स्ट है निफ्ट का पूरा नाम क्या है? ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चंस है लेकिन काफी एग्जाम्स में जिसको कि पूछा जाता है। नेफ्ट और आरटीजीएस दो मोड है जिससे कि ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो दोनों के बारे में फुल फॉर्म अभी सिर्फ नेफ्ट का है। तो नेफ्ट का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू जो है कि ऑनलाइन जो है कि पैसा जो है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक, जो भारत में सबसे ज्यादा जो है कि किस बैंक का ब्रांच है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसका कि ब्रांच जो है कि भारत के सुदूर इलाकों में फैला है और सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक इसीलिए इसको कहा जाता है। और हाल फिलहाल में जो कि इसके जो एसोसिएट्स बैंक थे उसको भी मर्ज कर दिया गया, जो इसके 5 एसोसिएट्स बैंक थे, जो आपको पता है हाल फिलहाल में जो कि कैबिनेट के मंजूरी के बाद जो कि उसको मर्ज करके एक कर दिया गया है, और वो सभी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक द्वारा किसानों को फसल ऋण की सुविधा देने की जो भी योजना चली थी उसको जो चल रही है, ये आखिर ये पुराना है तो उसको लोग KCC बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि आपको जो भी कुछ ऋण होता है बैंकों के द्वारा जो दिया जाता है किसानों को, उसको जो है कि बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये सारी चीजें थी जो आज की वीडियो में मैंने इसको इतना दिया है, लगभग इतने सारे क्वेश्चन हैं। आपको जो भी कुछ सजेशंस हो
या कुछ और आप पूछना चाहते हो जो जो भी कुछ, तो आप जो है कि इसके आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप कुछ और कुछ सब्जेक्ट्स बारे में अगर आपको इस जीके में कुछ और कोई पैटर्न या कुछ जानना है तो उसके बारे में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि और किसी को इस चीज से फायदा हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, फोकस्ड रहिए। तो थैंक यू।